कार्ड छपे, मंडप सजा, मेहमान पहुंचे, धूमधाम से बारात आई, खूब नाच गाना हुआ, धमाल मचा। आपको लगेगा कि इसमें क्या अलग है, ये तो हर शादी में होता है। नहीं, यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारतीय वैवाहिक रीति रिवाज से दो कुत्तों की शादी कराई गई है, शेरू विद स्वीटी, और दो पड़ोसी समधी बन गए हैं। इधर स्वीटी की मालकिन, या यूं कहें कि स्वीटी की माँ, इस मौके पर हर लड़की की माँ की तरह खुश के साथ साथ भावुक भी नजर आई। तो क्या क्या दिया आपने, फिर तैयारी कैसे करी? तो तैयारी जिस दिन बात हुआ, दूसरा दिन सब बोला कल हल्दी मंडप है, ठीक है। कम से कम 200-300 लेडीज वो में है, समझ देखा लग रहा है। पूरा हल्दी मंडप जैसे इंसान का होता, हम लोग पूरा वैसे ही कर रहे हैं, वैसे नियम कानून सब कुछ। कल गए मेहंदी, देखो मेहंदी लगाना हुआ है हम लोग के हाथ में। ये वो मेरा 25 पैकेट मेहंदी लेके आया, सब रे लगाया, बताओ। हाँ, ये मेहंदी देखो। अच्छा, आज शादी है। ये आपने देखे हैं, बर्तन भी दिख रहा है, साड़ियाँ भी दिख रही हैं। हाँ। उसके बारे में थोड़ा रानी जी बताएं। ये मेरा पता नहीं, अंदर अंदर से ऐसे लग रहा है जिन हमारे ही बच्चा है, लग रहा है ये मेरा ही बच्चा है। क्यों मेरा बच्चा ना, सबका ही शादी भी होता है, मेरा घर में तो कुछ होता नहीं, होगा वो नहीं यार। तो ये सोचता है जिन इसके बहना में कुछ हो जाए मेरा। तीन साल से आपके साथ थे और अब यहाँ के जा रही हैं। हाँ। आपकी अभी कैसी फीलिंग हो रही है? मेरा तो कल से, हम तो कोठी में काम कर रहे, तो भी हमें रोते रोते काम करा। और कल हल्दी मंडप टाइम है, सब मेरे को बोलता क्यों रो रहा है तू? लड़का माँ मेरे को गला पकड़े बोलता है, रानी दीदी तेरे को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, यही रिश्ता हमेशा बन के रहेगा, मरते दम तक यही रिश्ता ही बन के रहेगा। दूसरी ओर शेरू की माँ अपने घर दुल्हन स्वीटी को लाने के लिए काफी बेताब नजर आई। सर, शादी जैसे एक आम आदमी की शादी, ऐसे हमारे लिए शादी ही है। हम इसको जैसे इंसान की हर रस्म रिवाज के साथ शादी होती है, ऐसे हमारा भी हर रस्म हर रिवाज के साथ शादी। तो आपने क्या क्या तैयारियां करी है, आप वो बताएं थोड़ा। सर, तैयारी बैंड और खाना पीना, 100 आदमी का खाना पीना, इतना हमारा बराती हो जाएंगे। फिर पंडित आएगा, फेरे करवाएगा, शादी पूरी होगी। तो ये जो जब आपने बताया कि इनकी शादी होने वाली है, तो लोगों में कैसी प्रतिक्रिया रही जिनको आपने बुलाया? सर, वो तो है, किसी को अच्छा लगता किसी को बुरा लगता है, तो हमें उससे किसी से लेना देना नहीं है। हमारे मन में ये ख्वाहिश था कि हाँ, सारे बोले पुलिस आ जाएगा, ये आ जाएगा, अंदर भी बन रहे हो, बाहर भी नहीं निकलते हैं, तो हमसे उससे नहीं लेना देना है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हमारा ख्वाहिश था, हम अपना ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं। दिल्ली NCR में जहां लोगों पर कुत्तों के हमले की वजह से सरकार ने कुत्ते पालने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, वहीं शेरू और स्वीटी की शादी ने इंसानों और कुत्तों के बीच मौजूद अपार प्यार को जाहिर कर दिया है, और इस अनोखी शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।